हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका गर्वित ऑनलाइन क्लासेस में। मेरा नाम है आशीष कुमार। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे यूपी टेट की जो स्पेशल क्लासेस चल रही है मैथ की, उसके पार्ट थर्ड के बारे में, जिसमें हमारा टॉपिक चल रहा है विन। ठीक है, इससे पहले मैं आपके दो वीडियो बना चुका हूँ विन के ऊपर, ठीक है, और उसके बेसिक्स के बारे में बता चुका हूँ। अब इस पार्ट में हमारा जो लास्ट टॉपिक रह गया है भिन्न से संबंधित, वो है आपका भिन्न को आरोही या अवरोही क्रम में लगाना, या सबसे बड़ी या सबसे छोटी भिन्न को निकालना। ठीक है दोस्तों, इससे संबंधित आपके यूपी टेट में 100% एक क्वेश्चन तो आता ही है, या वो आरोही क्रम पूछ ले या अवरोही क्रम पूछ ले, या सबसे बड़ी या सबसे छोटी भिन्न को पूछ ले। ठीक है, इसमें क्या होता है कि आपको चार या तीन या चार भिन्न दे देंगे उनको, और उसमें से क्या करना है हमें एक छोटी भिन्न या बड़ी भिन्न या आरोही या अवरोही क्रम को पूछ लेता है। ठीक है, तो दोस्तों आज का टॉपिक स्टार्ट करने से पहले बता दूं कि यदि आपने अभी तक पिछली वीडियो इसकी भिन्न से संबंध नहीं देखी, उन्हें और देख लें, जिससे कि ये पार्ट आपको समझ में अच्छी तरीके से आ जाए। और एक बात और, यदि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें, ठीक है, और साथ में बेल आइकन पर क्लिक करें, जिससे कि इस चैनल पर आने वाली लेटेस्ट वीडियो की जानकारी आपको सबसे पहले मिल सके। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि ये पार्ट थर्ड है, ठीक है, तो मैं आपको बता दूं, मैं इससे संबंधित आपको एक ऐसी ट्रिक बताने जा रहा हूं कि इससे आप एक ही ट्रिक से आप आरोही क्रम, अवरोही क्रम, सबसे बड़ी भिन्न या सबसे छोटी भिन्न आराम से आप निकाल सकते हैं। ठीक है, बहुत आसान है। ठीक है, कैसे करेंगे तो हम एक इसके लिए एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। एग्जाम्पल है आपका, जैसे मैं ले लिया चार भिन्न दे रखी है, 3/8 और 5/6 और 2/3 एंड 5/9। ठीक है, अब इसमें हम आरोही क्रम भी निकालेंगे, ठीक है, और सबसे बड़ी छोट बड़ी भिन्न और सबसे छोटी भिन्न भी निकालेंगे, और अवरोही क्रम भी निकालेंगे एक ही ट्रिक से। तो आपको याद रखना है अंश बटे अंतर, ठीक है, अंश बटे अंतर। ठीक है, तो देखते हैं। तो इन भिन्नों की खास बात ये होती है कि आपकी जो नीचे की जो संख्या होती है, मतलब हर जो होता है, वो हमेशा अंश से बड़ा होता है। ठीक है, आप देख सकते हैं अंश यहाँ पर 3 है, या 8 है, या 5 है, या 6 है, या 2 है, या 3 है, यहाँ पर 5 और 9 है। ठीक है, तो सिंपल सी बात है। वैसे एक तरीका होता है कि नीचे आप हर समान कर लीजिए, उसके बाद ऊपर जो संख्या बड़ी होगी वो बड़ी होगी, जो छोटी होगी वो छोटी होगी, लेकिन वो आपका बहुत लेंथी हो जाता है। ठीक है, कभी कभी क्या होता है आपके नीचे संख्या ऐसी दे रखी है जिसका हम लासा निकालें भी तो बहुत बड़ा हो जाता है। ठीक है, आपको उसे नहीं करना है। सिंपल आपको मेथड बता दूं, अंश, ठीक है, आप कैसे करना है वो देख लीजिए। तो आप सबसे पहले अंश लिख रहने दीजिए ऊपर, ठीक है, अब अंतर, कहने का मतलब अंश और हर का अंतर, 8 और 3 का अंतर कितना होता है आपका 5, ठीक है, 6 और 5 का अंतर कितना होगा 1, ठीक है, उसके बाद 3 और 2 का अंतर कितना होगा आपका 1, ठीक है, और 9 और 4 का, 9 और 5 का अंतर होगा आपका 4। ठीक है, तो सिंपली आप क्या करते हैं कि यहाँ पे देख रहे होंगे आप कि अंश तो ऊपर जैसा है वैसा ही लिखा हुआ है, फिर इन दोनों संख्याओं का अंतर, ठीक है, चाहे ऊपर की संख्या बड़ी हो या नीचे हो, ठीक है, आप अंतर निकालेंगे प्लस में आएगा, सिंपल सी बात है। अब क्या करेंगे आप, इसमें भाग देते चले आइए। ठीक है, अगर 5 का मैं 3 में भाग दूंगा तो आएगा 0.6, 1 का भाग दूंगा 5 में तो 5 ही आएगा, 2 का भाग दूंगा 1 में तो आपका 2 आएगा, ठीक है, और यहाँ पर 4 का भाग दूंगा तो 4 का भाग दूंगा 5 में, 4 एकम 4। ठीक है, पॉइंटों में निकाल सकते हैं, जब आपकी समान संख्या यहाँ पर आ रही हो तब पॉइंट तक लेके जाएंगे, वरना नहीं लेके जाएंगे। ठीक है, अब आपका यहाँ से क्वेश्चन सॉल्व हो गया, बस इतना करना है आपको, पहले आपको अंश और हर में अंतर निकाल के रखना है। ठीक है, अंश आपका जैसा है वैसे ही रहने देते हैं, नीचे आपको अंतर निकाल के रखना है। ठीक है, और उस अंतर का भाग आपको देना है, ठीक है, पूर्णांक में, ठीक है, पूर्णांक में भी दे सकते हैं। अगर यहाँ पर समान संख्या आती है, जैसे मान लो यहाँ 5 है, यहाँ पर भी 2 आ जाता तो हम इसका पॉइंट में निकालते हैं, उस पर हम चलेंगे आगे, बताएंगे उसके ऊपर क्वेश्चंस। ठीक है, अब देख लेते हैं हम यहाँ पे कि अब यहाँ पर देख रहे हैं, भाई अगर मैं चाहता हूँ कि मुझे सबसे बड़ी भिन्न निकालनी है, तो सबसे बड़ा अंक कौन सा है यहाँ पर, 5 है, तो आपकी सबसे बड़ी भिन्न जो है जो सबसे बड़ा आया है कौन सा है, 5/6, ये सबसे बड़ी हो गई। अब सबसे छोटी निकालनी है तो सबसे छोटी कौन सी आपका अंक है, 0.6, तो कौन सी है, 3/8। ठीक है, अब इसका आरोही क्रम निकालना है हमें, आरोही क्रम, तो आरोही क्रम में क्या होता है कि
सबसे छोटी संख्या पहले लिखी जाती है, सबसे छोटी कौन सी है अभी, 0.6, तो 0.6 से क्या बनाया आपका 3.8, वो 3/8। उसके बाद कौन सी है सबसे बड़ी, आपकी 1 मतलब 5/9, ठीक है। उसके बाद आपका 2 है, 2 किससे बड़ी है, 2/3 से, और उसके बाद 5 सबसे बड़ी। तो आरोही क्रम में सबसे छोटा ये, उससे बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, ठीक है। तो ये आपका आरोही क्रम। अब अवरोही क्रम निकालना, तो सीधी सी बात है, अवरोही क्रम में सबसे बड़ी वाली पहले रखी जाए। सबसे बड़ी कौन सी संख्या, 5 किससे बनी है, 5/6, ठीक है। तो ये बड़ा, इसमें इस तरीके से चलता है, और इसमें ये उल्टा, ठीक है। अब अवरोही क्रम में 5/5, उससे छोटी कौन सी है आपकी, 2, तो 2 किससे बना, 2/3 से। उसके बाद कौन सा है आपका, 5/9, 1। उसके बाद बड़ा आपका 0.6 मतलब 3/8, ठीक है। तो ये आंसर हो गया। यहाँ से हमने देखा कि हमने सबसे बड़ी भी निकाल ली, सबसे छोटी भी निकाल ली, आरोही क्रम भी निकाल दिया, अवरोही क्रम भी निकाल दिया। चलते हैं एक और एग्जांपल के इसके ऊपर। दोस्तों ये है आपका सेकंड एग्जांपल, ठीक है। हमें उसी तरीके से आपको सॉल्व करना है, किस तरीके से सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, आपको अंश का अंश और इसका अंतर निकालेंगे। तो 27 में से 29 का कितना बचेगा आपका, 27 में से 29 का बचा 8, ठीक है। उसके बाद 18 में से मतलब 29 में से 18 क्या कितना बचेगा आपका, 11, ठीक है। उसके बाद 31 मतलब 45 में से 31 गया, तो 31 का 31 और 45 जाएगा, तो इसमें कितना आएगा आपका, 40, ठीक है। इसके बाद आपका देखेंगे हम, 25 में से 13 तो बचेगा आपका 12 मतलब 13/12, ठीक है। अब दोस्तों हम देखते हैं कि यहाँ पर आप देखेंगे आपका हर जो है वो अंश से बड़ा है, ठीक है। यहाँ पर हर 27 है, यहाँ अंश 19 है, यहाँ पर 29 है, यहाँ पर 18 है, तो मतलब हर जो बड़ा है, ठीक है। लेकिन आप यहाँ कंडीशन में आप देख रहे हैं कि हर जो है आपका छोटा है अंश से, ठीक है। तो इसका मैं इसमें भाग दूंगा, जाहिर सी बात है एक से ऊपर जाएगा, 1 पॉइंट से जाएगा ऊपर, ठीक है। तो 1 पॉइंट से ऊपर जाएगा, जाहिर सी बात है अगर सबसे बड़ी भिन्न पूछ रहा है, तो सबसे बड़ी भिन्न तो आपको यहाँ से बिना सॉल्व करे ही निकल आएगी। सबसे बड़ी भिन्न क्या निकलेगी इसमें आपकी, 16/15, ठीक है। क्योंकि इसका जो वैल्यू वो एक से ऊपर जाएगी, बाकी सबकी एक से नीचे है, ठीक है। अब तो इस यहाँ से डायरेक्ट मालूम पड़ जाएगा, अगर ऐसी कंडीशन है आप देखते हैं कि हर बड़ा है अंश से, तो और एक संख्या दे दी जिसमें अंश बड़ा है हर से, तो अंश जो बड़ा है वो आपकी बड़ी हो जाएगी, ठीक है। लेकिन हम कंसिडर जो करेंगे, हम इन चारों संख्याओं के बीच में करेंगे, ठीक है। हमें इन चारों संख्याओं के बीच में कंसिडर करना है, निकालना है, तो हम चारों संख्या हमने ले ली। अब सिंपली जब मैंने इसका अंश बट्टे अंतर निकाल लिया है मैंने, ठीक है। अब क्या करेंगे, प्रतिगमन भाग देंगे, 8 × 2 = 16, ठीक है। हम पूर्णांक तक ही देंगे, ठीक है। अगर हमारा अगर 2 बराबर आ जाती है भाग देने पर, तब हम आगे जाकर देंगे, ठीक है। 11 का भाग देंगे, 11 × 11, 14 का भाग देंगे, 14 × 2 = 28, एक पूरा पूरा नहीं जाएगा तो 28 तक ही रखेंगे, और 12 × 12। अब देखिए इसमें आपका मैंने इसमें भाग दिया 8 × 2 = 16, ठीक है, और 11 × 11 क्योंकि ऊपर जाएगा नहीं, 14 × 2 = 28 तो उस ऊपर देंगे नहीं, और 12 × 12 = 12, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये समान है और ये समान है, ठीक है। तो सिंपली क्या कर सकते हैं, यहाँ पर आप एक बार और घटा लीजिए इसी तरीके से अंश बट्टे अंतर करके, तो आपका आंसर निकल आएगा। या फिर आप क्या करेंगे, इसका और आप भाग को आप आगे बढ़ा दीजिए। अब 8 का भाग दिया मैंने इसमें, तो 8 × 2 = 16 है, बचा कितना 3, ठीक है। तो 8 × 3 तो 8 × 3 = 24 तक आप दे देंगे, ठीक है। ऐसे ही मैं 11 का भाग दूंगा, 11 × 11 है, बचा कितना आपका 7, ठीक है। 11 × 11 = 7 बचा, तो 11 × 66 तक, ठीक है। दोस्तों यहाँ पे मैं भाग दूंगा 14 में पूरा 14 × 28, दो बार के बचे 30 हो गया, ठीक है। 14 × 28 फिर दो बार जाएगा। अब इसमें देखो 12 × 12 एक बचा, ठीक है, एक बचा, तो अब एक मतलब क्या होगा, ना जाने का जीरो लगेगा, मतलब 12 × 12 एक बचा, एक मतलब 12 का भाग जाएगा नहीं, तो जीरो लगा लिया हमने, ठीक है। 100 हो गया, ठीक है, 100 हो गया, तो 12 × 8 = 96, ठीक है। तो अब जीरो लग गया तो ऑलरेडी छोड़ गया। अब उसमें हम पता कर सकते हैं, अब सबसे बड़ी संख्या कौन सी है इसमें, आप देख सकते हैं 2.3, ये सबसे बड़ी संख्या है इसमें, तो ये तो सबसे बड़ी होगी। मैंने पहले बता दिया कि मैं इसको कंसिडर नहीं कर रहा हूँ, इन चारों संख्याओं को देख रहा हूँ, ठीक है। तो इसमें सबसे बड़ी वजह कौन सी होगी आपकी, मतलब सबसे बड़ी भिन्न कौन सी होगी, ये वाली सबसे बड़ी संख्या है आपकी, तो ये आपकी सबसे बड़ी हो गई, ठीक है। इसका अब सबसे छोटी कौन सी आपकी, ये वाली है, ठीक है, क्योंकि 1.08 सबसे छोटी दिख रही है, तो यही आपकी सबसे मतलब सबसे बड़ी तो ये हो गई आपकी, और सबसे छोटी कौन सी हुई आपकी, किससे बनाई है, 13/25 से, ठीक है। अब इसका आप आरोही क्रम अवरोही क्रम आसानी से निकाल सकते हैं, ठीक है। अब चलते हैं एक और एग्जाम्पल की ओर।
तो दोस्तों ये है आपके एग्जाम्पल नंबर थर्ड, ठीक है। तो दोस्तों हम इसमें भी अब सबसे बड़ी सबसे छोटी असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर यहाँ पर निकालेंगे। सिंपल वही आपका अंश बट्टे अंतर, क्या करना है हमें, अंश बट्टे अंतर, ठीक है। तो अंश आपका कितना है 13, अंतर करूँगा तो कितना आएगा 4, ठीक है। यहाँ पर ऐसे ही सिंपल आपका अंश कितना है 16 और अंतर करूँगा तो कितना आएगा 3, ठीक है। ऐसे ही आपका 11 और 11 और 18 का अंतर कितना आएगा 7, ऐसे यहाँ पर 23 और अंतर कितना आएगा आपका 3, ठीक है। तो सिंपली आप भाग दे लेंगे, कितनी बार जाएगा 3 4 12, ठीक है। इसका भागेंगे 3 5 15, इसका भाग देंगे 7 1 7, इसका भाग देंगे आप तो कितनी बार जाएगा 7 3 21, मतलब 30 का भाग देंगे 30 7 21, मतलब पूर्णांक भी देना है आपको। हमें आगे जब करते हैं जब हमारी यहाँ पर कोई संख्या सेम आ जाती है, ठीक है, जैसे यहाँ पर 4 है तो यहाँ पर भी 4 आ जाता है, तो हम आगे तक बढ़ाते हैं भाग, बनना बढ़ाने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब यहाँ से आप सीधा सीधा पता लगा सकते हैं कि सबसे बड़ी भिन्न कौन सी होगी। 5 सबसे बड़ा है, किससे बना है 16/19 से, तो ये सबसे बड़ी भिन्न हो गई आपकी, ठीक है, 16/19, ठीक है। अब सबसे छोटी निकालेंगे यहाँ से, सबसे छोटी संख्या कौन सी, 1, ये वाली कौन सी, 11/18, तो यही आपकी सबसे छोटी हो गई, ठीक है। अब यहाँ से हमें आरोही क्रम निकालना है, तो आरोही क्रम, ठीक है। तो आरोही क्रम में क्या होता है, सबसे छोटी संख्या पहले रखी जाती है, तो 1 सबसे छोटा है तो किससे बना है 11/18 से, ठीक है, तो ये सबसे छोटी हो गई। अब इससे बड़ा कौन सा है आपका 4, ठीक है, तो कौन से बना 13/17 से, ठीक है। उससे बड़ा कौन सा है 5, कितना हो गया 16/19 से बना है, और सबसे बड़ा 7 है तो कितना आ गया 23/26, ये तो आरोही क्रम हो गया। अब अवरोही क्रम देखते हैं हम, ठीक है, अवरोही क्रम में क्या होगा, यहाँ तो इसका उल्टा कर दीजिए, जरूरत नहीं है वैसे आप देखेंगे, तो अवरोही क्रम में सबसे बड़ी संख्या पहले आती है, कौन सी आपकी सबसे बड़ी संख्या 7 है, और 7 से किससे बना है 23/26 से, ठीक है, उसके बाद कौन सी है 5, तो ये हो गया 16/19, उसके बाद उससे कौन सा छोटा है 4, तो 4 है आपका 13/17, और से छोटा है आपका 1 जो किससे बना है 11/18, ठीक है दोस्तों। यह है आपका प्रोसेस, बहुत आसान है, ठीक है, तो आप इसे आसानी से निकाल सकते हैं, एक दो क्वेश्चन इस टाइप के आप निकाल लीजिए, तो उसमें आप क्या कहते हैं आसानी से इसे प्रैक्टिस में आ जाएगा, और ज़्यादा हार्ड नहीं है, ठीक है। अब दोस्तों हम इस वीडियो में लगाएंगे कुछ इंपॉर्टेंट आपके पिछले टेट्स में आने वाले क्वेश्चन, मतलब टेट्स के जितने भी एग्जाम हुए हैं अब तक, उसमें जो जितने भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम वो लगाएंगे, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस दिए हैं जो अब तक आपके यूपी टेट के एग्जाम में आए हुए हैं, ठीक है, तो हम ये सॉल्व करते हैं, किस तरीके से सॉल्व करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है कि 5/8 भिन्न है आपकी, ठीक है, तो मैंने बताया था आपको कि इस टाइप के क्वेश्चन आ जाते हैं कि उचित भिन्न अनुचित भिन्न, मैंने आपको 5 तरीके की भिन्न कराई हैं, ठीक है। तो दोस्तों जिसमें हर छोटा हो मतलब हर बड़ा होता है, मैंने बताया आपको अगर पी अपॉन क्यू की कोई भिन्न है, अगर क्यू बड़ा होता है पी से, तो वो कहलाती है आपकी उचित भिन्न, ठीक है, तो ये ऑप्शन आपका सही है, ठीक है। तो मैं आपको 5 तरीके के भिन्नों के प्रकार कराए हैं, ठीक है, तो आप उन्हें देख सकते हैं और इस क्वेश्चन को लगा सकते हैं। नेक्स्ट है आपका 3/4, 2/3, 9/16 और 5/12 का अवरोही क्रम क्या है, तो ठीक है, तो सिंपली मैंने बताया था कि आप क्या करेंगे, इसके अंश बट्टे अंतर, मैंने बताया था आपको अंश बट्टे अंतर इससे हम निकालेंगे इसे, तो अंश तो आपका 3 रहेगा, अंतर करूंगा तो कितना आएगा 4 में से 3 गया 1, ठीक है, ऐसे 2 2 में से 3 गया 1, ठीक है, उसके बाद 9, 16 में से 9 गया कितना बचेगा 7, और यहाँ से आपका देंगे हम 5, मतलब 5 तो ऊपर रहेगा और ये बचेगा आपका 7, ठीक है। इसका भाग देते हैं कितनी बार जाएगा 3 बार, 1 का भाग दिया 2 में 2 बार, 7 का भाग देंगे कितनी बार जाएगा 1 बार, और इसमें जब भाग देंगे इसमें तो आपका कितनी बार जाएगा, नहीं जाएगा तो पॉइंट में जाएगा, पॉइंट लगा लेंगे और 0 बढ़ा लेंगे तो 50 हो जाएगा, तो 50 का बजाय पॉइंट 50 मतलब आएगा आपका 0.7, ठीक है। अब इस ये हमने निकाल लिया, ठीक है, कोई संख्या समान नहीं है तो हमें आगे भाग करने की कोई ज़रूरत नहीं है, तो कैसे करेंगे, अवरोही क्रम निकालना, सबसे बड़ी संख्या कौन सी है इसमें आपकी 3, तो आपकी 3/4 से बना हुआ है ये, तो ये बड़ी होगी, उससे छोटी कौन सी है आपकी, ये क्या कहते हैं 2/3, ठीक है, उससे छोटी 1 है आपकी, तो 9/16, उसका सबसे छोटी है आपकी क्या कहते हैं 0.7, किससे बनी हुई है 5/12, तो इसका हो गया अवरोही क्रम, अवरोही क्रम सबसे बड़ी, उससे छोटी, और उससे छोटी, और उससे छोटी, ठीक है, निकाल लेते हैं।
दोस्तों ये है आपका क्वेश्चन नंबर 3 जो मैंने अभी आपका गलत मतलब मैंने पेपर में से उतार लिया था। यहाँ आपका आपका डिवाइड का साइन है, यहाँ मैंने प्लस का साइन लगा दिया इसलिए इसका आंसर जो गलत आ रहा था, ठीक है, मैंने उसे सही करके दोबारा से लिखा है मैंने। तो आपका क्वेश्चन है 1/2 प्लस 1/3 भागित 1/4 माइनस 1/6, ठीक है। तो आप देख सकते हैं इन दोनों को इसमें जोड़ा जा रहा है इन दोनों को, और इसमें इन दोनों को घटाया जा रहा है, ठीक है। तो प्रोसेस हम लगाएंगे, इसका गुणा इसके साथ 3 * 1 = 3, 2 * 1 = 2, 2 * 1 = 2, और नीचे का गुणा 3 * 2 = 6, ठीक है। नीचे हो गया आपका डिवाइड, ठीक है। अब चलेंगे 6 * 1 = 6, 6 * 6 = 6, 4 * 1 = 1, 4 * 4 = 4, फिर दोनों का मल्टीप्लाई नीचे, 6 * 6 = 24, ठीक है। अब देखते हैं क्या बचता है, यहाँ तो हो गया 5 × 3 = 5/6 भागित, और यहाँ हो जाएगा आपका 2/24, ठीक है। तो अब भागित है तो मैंने भागित का बताया था, गुणा कर क्या करेंगे इसका कि भाग को हम गुणा में चेंज कर देंगे और संख्या को इस वाली संख्या को पलट देंगे बाद वाली संख्या को। तो 5/6 मैंने गुणा का साइन लगाया यहाँ पर, अब इस संख्या को पलट दूंगा कितना आएगा 24/2, ठीक है। इससे काटूंगा आपका 6 से काटेगा ये 24 चार बार, और 2 से कट जाएगा 4 दो बार, तो कितना बचा ऊपर 5 × 2 बचा, तो आया कितना आपका 10, ठीक है। तो ऑप्शन कौन सही है आपका, थर्ड ऑप्शन सही है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमें दे रखा है माइनस के वो सॉरी 4/-1/7 का हमें क्या करना है, सॉल्यूशन करना है। ऑप्शन दे रखे हैं फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ, ठीक है। सिंपल आप मैं 4 को लिखता हूँ 4/1, कोई 1 का भाग दूंगा कोई अंतर नहीं पड़ेगा, 1/7। तरीका आपका वही है इसका, इसमें मल्टीप्लाई 7 * 6 = 28, 1 का 1 में मल्टीप्लाई करूंगा 1/, नीचे आ जाएगा आपका 7, ठीक है। तो कितना बचा आपका 28 में से बन गया 27/7, इसका इसमें भाग दूंगा कितना जाएगा 7 * 21, ठीक है। कितनी बार का भाग दे लेता हूँ मैं इसका, मैं आपको बता देता हूँ कि सही बटे में कैसे चेंज करते हैं, तो 7 * 21 बचा कितना आपका 6, ठीक है। अब जिसका जो भाग मतलब जितनी बार जाता है, ये 3 बार गया तो 3 तो उसे आगे लिखते हैं, ठीक है। जिसका जिसका भाग दे देते हैं उसे नीचे के नीचे रखते हैं, और जो शेष बचता है उसे हम ऊपर लिख देते हैं। कहने का मतलब कितना मतलब 7 से दिया तो 7 जहाँ है वहीं रहेगा, ठीक है। जितनी बार जाता है उसे आगे लिखते हैं, ठीक है, और जितना शेष बचता है उसे ऊपर लिख देते हैं। तो क्या हो गया आपका, आप कर लेते कैसे 7 * 21 और 6 = 27/7, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन सही है इसमें आपका, ऑप्शन नंबर 3 सही है। चलते हैं नेक्स्ट, हमें दे रखा है 2 * 1/4 + 3/4, इसको हमें सरल करना है। तो पहले सही बटे को बटे में चेंज कर लें, मिश्र भिन्न है ये आपकी, मैं बता चुका हूँ आपको, 4 * 2 = 8 + 1 = 9/4 + 3/4, ठीक है। इजी है, जब आपके हर समान हो तो ऊपर की संख्याएं डायरेक्ट जुड़ जाती हैं। 3 और 4 कितना हुआ 12, और हर जितना रहता है उतना रहता है, 3 * 4 = 12 काटूंगा 3 बार कटेगा, तो आंसर आया 3। कौन सा ऑप्शन सही है आपका, फोर्थ ऑप्शन सही है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, ठीक है। इसमें हमें क्या करना है, 5/6 × 2/9 प्लस है आपका बीच में 2/9 भागित 7/6, ठीक है। तो पहले भागित को हम गुणा में चेंज कर लें, ठीक है, तो हो जाएगा आपका 5/6 × 2/9, ये प्लस का प्लस रहने देते हैं, 2/9, और भाग को किसमें चेंज किया गुणा में, संख्या पलट जाएंगी, कितना आएगा 7/6, ठीक है। अब जो कट रहा काट देते हैं, ठीक है, तो यहाँ से आप देखेंगे कि 2 से कटा 6 3 बार, यहाँ से भी 2 से कटा 3 6 बार, ठीक है। तो ऊपर कितना बचा 5/9 में 3 का गुणा किया 27 प्लस, यहाँ बचा आपका 7, और 9 में 3 का गुणा किया ये भी 27। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर भी आपका हर कैसा है, समान है, तो ऊपर की संख्या जब डायरेक्ट जुड़ जाएंगी तो कितनी आएंगी 12, ठीक है। अब 12 जो और 27 में आता है कॉमन आपका 3, तो 3 से कट जाएगा ये 4 बार, और ये कट जाएगा 9 बार, तो कितना आया 4/9, ठीक है। अभी हमें जो आंसर दे रखा है वो पॉइंटों में दे रखा है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, 9 का भाग देंगे 4 में, तो 4 में जाएगा नहीं, पॉइंट लगाएंगे 9 * 36, 4 बचा, 0 लगाएंगे फिर 9 * 36, ठीक है। तो ये चलती जाएगा, ख़त्म नहीं होगा। तो आपका जो आंसर आया वो कितना आया 0.44, ठीक है। तो ये आंसर आपका आ गया, तो कौन सा ऑप्शन सही है इसमें, ऑप्शन नंबर 2 सही है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, ठीक है। दोस्तों ये क्वेश्चन दे रखा है कि 10 * 1/2 मीटर में मीटर लंबी एक रस्सी से 4 * 5/8 मीटर लंबी को काट मीटर रस्सी को काटा गया है, ठीक है।
तो शेष रस्सी की लंबाई ज्ञात कीजिए, ठीक है, मतलब इतनी मीटर रस्सी थी और इतनी मीटर उसमें से काट ली गई, तो शेष लंबाई कैसे निकालेंगे कि इस वाली में से ये वाली घटा देंगे, सीधी सी बात है। तो 10 सही 1 बट्टे 2 माइनस 4 सही 5 बट्टे 8, ठीक है। तो सबसे पहले सही बटे से बटे में चेंज कर लेते हैं, 10 दूनी 20 और 1 21 बट्टे 2 माइनस, ठीक है दोस्तों, इसे भी सही बटे में चेंज कर लेते हैं, 8 चौक 32, ठीक है, 8 में 4 का गुणा किया 32 हो गए, 5 जोड़ दिए कितने हो गए 37 बट्टे 8, ठीक है। अब तरीका वही है, आप इसका मल्टीप्लाई कर लीजिए, पहले दोनों का मल्टीप्लाई कितना आ जाएगा नीचे, 8 दूनी 16, ठीक है, और अब 8 का मल्टीप्लाई में 21 में करूंगा तो 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 168, और 37 दूनी कितने होते हैं आपके 74, ठीक है, माइनस कर दूंगा मैं तो 4, और कितना बचा आपका 8 में से 4 गया 4 और 16 में से 7 गया तो अब बचा आपका 9 अपॉन 16, ठीक है, 2 से कट जाएगा आपका, 2 से काटेंगे 2 दूनी 2 चौक 8 और 2 सत्ते 14 और 2 से काटेंगे नीचे आएगा 8, आपकी मेन वैल्यू कितनी आई 47 बटे 8। अब 8 का भाग दे देंगे 47 में तो कितनी बार जाएगा 8 पंजे 40, बचा शेष कितना 7, ठीक है, तोड़ देंगे, मतलब इसे मिश्र भिन्न में चेंज कर देते हैं, कैसे करते हैं कि जितनी बार जाता है उसे तो आगे लिखते हैं, ठीक है, जिस संख्या का भाग देते हैं वहीं वहीं रखते हैं और जितना शेष बचता है उसे ऊपर लिख लेते हैं मीटर। कौन सा सही ऑप्शन आपका, ऑप्शन नंबर ये वाला आपका सही है, ठीक है। दोस्तों ये थे आपके और क्वेश्चन आपके जो आपके अब तक यूट्यूब यूपी टेट में पूछे गए थे, और भी क्वेश्चन हैं, अगर आप चाहें तो मैं उन्हें उनके ऊपर वीडियो बना सकता हूँ, ठीक है, अगर आप चाहें तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, जिसके मैं जितने भी क्वेश्चन आए हैं मैं उनको और सॉल्व करा दूंगा, ठीक है। दोस्तों मैंने आपकी जो भिन्न का जो पार्ट है वो मैंने 3 पार्टों में आपका पूरा ख़त्म करा दिया है, आपको अगर भिन्न से संबंधित इन तीनों पार्टों में कोई भी दिक्कत आती है तो मेरे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, तो मैं उसके ऊपर भी अच्छी तरीके से एक और मतलब वीडियो बनाकर आपको समझा दूंगा, ठीक है। तो अब जो नेक्स्ट टॉपिक चलेगा वो चलेगा आपका यूनिटरी मेथड, ठीक है, इसका सेकंड मेथड है आपका, मतलब सेकंड टाइप है, मतलब यूपी टेट का जो आपका सिलेबस में है वो आपका सेकंड मेथड है आपका यूनिटरी मेथड, ठीक है। तो उस पर हम बात करेंगे, अभी हमने भिन्न पे बात की, अब जो टॉपिक चलेगा वो है आपका यूनिटरी मेथड, मतलब एक एक नियम। तो इससे भी संबंधित आपके कई क्वेश्चन आते हैं यूपी टेट में, उनको हम सॉल्व करेंगे। तो मिलते हैं इसके अगले पार्ट में, जय हिंद जय भारत।